जे मैं कहां तो कोई अतकथनी नहीं हैगी, मत्था टेकन तो पहले ही उन्होंने सारे ने खब्बे सज्जे वेख्या, उन्होंने अपने सिंघां नूं कीता क्या मतलब कि भी ये कुर्सियां जिहड़ियां ने बाहर कढ़ दित्तियां जाण, जिहड़े साइड तो अपाज जिहड़े अपने बजुर्ग जिहड़े अंदर जांदे ने गेट तो अंदर उत्थे पहलां ही 30-40-50 बंदे पहलां ही खड़े सी, उन्होंने देखदिआं देखदिआं मिंटो मिंटी जिहड़ियां कुर्सियां सारियां वो बाहर लै गए। सारे पासे तो उन्होंने सारिआं कोल असला सी तकरीबन का किन्नी तो को गन्ना सन उन्होंने को रिवालवर से, पर जोड़े वो कुर्सियां जो चुकियां ना सारे ने एकदम समान चुक के बाहर ले जान लग गए सारा। उस टाइम इंज लग्या कि माहौल पता नहीं बन के हो जा गया, मतलब कि उस टाइम बिल्कुल जी कथा जो चलती दे जो इस तरह खलल पवे तो बेअदबी है जी। वो तो जिमें मतलब कि खालसा साहब की जिम्मे आर्डर की मतलब कि उड़ीक करते पे भी कदों कुछ कहते अभी मतलब कि काम करिए आ गया। उन्होंने पहले तो जो पता कर रहे थी कथा जी रुकवाई, उन्होंने 10 मिनट पहले समाप्ति करती, उस तो बाद उन्होंने माइक आप लैके तो कथा शुरू करती। परसनल राय मेरी है कि बहुत वड्डी बेइज्जती है गुरु घर के, माहौल तो देखो जी संगत का डर ही गई सी एकदम इन्ने बंदों देख के एट ए टाइम हम तुम ते को भी आ जाए 300-250 बंदे तो तुम भी तो डर ही जाओ। दरअसल ऐ ने जलंधर के मॉडल टाउन स्थित श्री गुरु सिंह सभा गुरद्वारा साहब के प्रधान अते ग्रंथी जिन्हों का कहना है कि जिहड़ी घटना गुरद्वारा साहब दे विच वापरी है वह एक तरह की बेअदबी है। दरअसल जलंधर के मॉडल टाउन स्थित श्री गुरु सिंह सभा गुरद्वारा साहब दे विच वारस पंजाब दे मुखी अते उन्हां दे सहयोगी गुरद्वारा साहब दे अंदर आ जांदे ने अते अंदर पईआं कुर्सियां अते सोफियां दी भनतोड़ करनी शुरू कर दिंदे ने। कुर्सियां अते सोफियां नूं गुरद्वारा साहब तों बाहर कढ़िया जांदा है अते भनतोड़ करके अग लगा दित्ती जांदी है, जिस तों बाद मौके उत्ते फायर ब्रिगेड दी टीम पहुंचदी है अते अग दे उत्ते काबू पाउंदी है। इस घटना तो बाद संगत का कहना है कि अजिहा नहीं करना चाहिदा सी, प्रधान साहब जां फिर ग्रंथी दे नाल गल कर लैंदे अते इस मसले का हल कर लैंदे, ना कि अग लगानी चाहिदी सी। प्रधान अते ग्रंथी साहब दे वल्लों यह भी दस्या गया है कि 200-300 लोग हथियार लैके गुरद्वारा साहब दे अंदर आ जांदे ने, जिस दे चलदे गुरद्वारा साहब दे विच काफ़ी डरावना माहौल पैदा हो जाता है, संगत गुरद्वारा साहब छड़ के बाहर चली जाती है। उन्होंने कहा कि जेकर मैं अपनी निजी राय दवां तां एक तरह की बेअदबी है। जलंधर तो अज की आवाज़ के लिए दलबीर सिंह कलोइया की रिपोर्ट। मेरा नाम जी परमजीत सिंह। हाँ जी, साडा गुरद्वारा श्री गुरु सिंह सभा माल टाउन जलंधर दे विच जी, जिथे मैं तकरीबन 24-25 साल तो सेवा निभा रहा ग्रंथी वजो। सो साढ़े कल रात का दीवान जो रोजाना साढ़े दीवान शाम का सजदा, शाम का दीवान चल रहा है गुरु घर के, जिदे विच गुर इतिहास की कथा का प्रसंग चलता पिया सी। और जलंधर दे विच खालसा वहीर जो मार्च चल रहा सी वह पहुँचा होया सी, वह शहर के विचों हुंदा हुंदा ते साडे माल टाउन गुरद्वारा साहब दे विच 7:55 ते गेट ते पहुँचिया, ते 8 बजे उन्हें अपना जिहड़ी जिन्नी भी संगत सी नाल उन्हां दे मुखी सन वह सारे अंदर पहुँचे ने। उन्होंने उत्थे मत्था टेकन तो पहला ही मतलब कि जे मैं कहां तो कोई अतकथनी नहीं हैगी, मत्था टेकन तो पहले ही उन्होंने सारे ने खब्बे सज्जे वेख्या, जिमें कि पहला ही पता सी उन्होंने कि मतलब कि अंदर की हो रहा की नहीं है। सो उन्हें उस तो बाद मत्था टेकया गुरु घर के, मत्था टेक के उन्होंने गुरु महाराज की परिक्रमा करके फिर मत्था टेकया। उस तो बाद जिहड़ी साइड ते असी मतलब कि संगत दे जिहड़े बजुर्ग गुरु घर के आउंदे ने हैंडीकैप्ट आउंदे ने जां अपाहज जो शरीरक तौर पर असमर्थ ने मतलब कि जिहड़े नहीं बह सकते, जिहदे विच प्रैगनेंट लेडी भी बीबियां साडियां भी कई बारी गुरु घर के आ जांदियां ने, ठीक है उन्होंने भी थले जमीन ते छेती किते उह नहीं बेचारियां बह सकदियां उस क्योंकि उह समां ही इहो जिहा हुंदा। सो उन्हां दी सहूलत वास्ते भी असीं ना गुरु घर के जिथे गुरु महाराज का दरबार लगता सच्चे पातशाह का प्रकाश हुंदा है, वह तकरीबन 4.5-5 फुट उच्चा है। उस तो बाद पिछले पासे अगे आ गया फिर संगत जिथे बहिंदी जमीन पर, जमीन तो वह जिहड़ा हाल साडा तकरीबन 25-30 फुट बैक साइड पर जो चले जाओ तो उत्थे छोटी जी कई दीवार बनाई है 1.5 फुट की, वो बैक साइड के उत्ते 2.5-3 फुट नीवी जगह बना के उहदे विच कुर्सियां का प्रबंध किया होया। जो संगत अंदर हाल के मत्था टेक के जाती है जिहड़े थले जमीन पर नहीं बह सकते वह बाहरली साइड तो जाके फिर उत्थे जाके कुर्सियां पर बह जाते हैं, जाके
वह कुर्सियां बह जा, वह कुर्सियां वेखण लई वह उत्थे फिर सिंह चले गए सारे। उन्होंने जो उत्थे वेखियां कुर्सियां तो उन्होंने मैनू कहा कहिंदे भाई साहब जी मतलब कि आ गुरु घर दे विच बेअदबी हो रही है। मैं असी क्योंकि दीवान चलता पाया असी घट बोलना से असी कोई ज़्यादा नहीं सी उस टाइम बोल सकते, सानू तो पता ना गुरु घर दे विच जदों दीवान चलता पाया तो जदों तुसी बोलोगे तो जिहड़ी संगत दे विच एकाग्रता बनी है कथा की फिर वह भंग। उन्होंने कहा जी मैं कोई गल नहीं जी मैं सत बजन जी मैं ठीक है जो तुसी कर रहे हो ठीक है, उस तो बाद असी मैं अपनी कमेटी को मैसेज दे देंगे जिवें साडी कमेटी गल करेगी ठीक है। वह कहिंदे नहीं जी हुणे बाहर निकलनी चाहिए ने। उन्होंने अपने सिंघां नूं कीता कहा मतलब कि भी ये कुर्सियां जिहड़ियां ने बाहर कढ दित्तियां जाण। वह जड़े सैड तो अपाज जे अपने बजुर्ग जे अंदर जाते हैं गेट तो अंदर उत्थे पहला ही 30-40-50 बंदे पहले ही खड़े से। उन्होंने देखद्या मिनटों मिनट ही जड़िया कुर्सियां सारिया वो बहर लै गए। उस तो बाद खालसा जे आए थे नाल अपने सिंह साहब मुखी जोड़े से वह पहुँचे ने साडे कथावाचक को चले गए ने। उन्होंने कथावाचक साढ़े नाल कोई जाके कोई गलबात की है तो उन्होंने साडे कथावाचक साहब ने फिर कथा की जी समाप्ति करती 10-15 मिनट पहला ही। जिहड़ी समाप्ति साडी 8:15 होनी सी वह तकरीबन 8:05 ते जां 5 मिनट तो पहले समाप्ति हो गई सी कथा दी। उस तो बाद उन्होंने अपना लैक्चर दिता गुरु घर दे विच जो देना सी बेअदबी बारे भी आ कुर्सियां आ रही ने। मैं सी कितें अगे होर पहुँचना सी ते सानूं इत्थे हुण टाइम लाना पै गया। सो इह जिहियां गल्लां होईयां ने मतलब जिदा तुसी कहा कि कथा कुछ समा पहला ही समाप्त कर दित्ती गई सी। हाँ कथा इसलिए समाप्त कर दित्ती गई क्योंकि माहौल खराब हो रहा सी। हाँ जी माहौल खराब हो गया सी उहदे विच जी मतलब कि उन्होंने जिहड़े कुर्सियां ते उस टाइम बजुर्ग बैठे कथा सुनदे पए सी उन्होंने कुछ कहा जा के ते उह जिहड़े सी उठ के बाहर निकल गए उसे टाइम ही उत्थों। तो जिहड़े संगत कुछ इधरले पासे हाल च बैठी सी वह भी बाहर निकलनी शुरू हो गई मतलब कि वह क्योंकि वह सारा सारे पासे तो उन्होंने को सारे को असला सी तकरीबन का किन्नी है तो कोई गन्ना सन उन्होंने को रिवालवर से जो तो चलो होंगे ने सारे को होंगे अपनी सेफ्टी वास्ते सारे को होंगे ने कोई गल नहीं बरछे से भाले से पर जोड़े वो कुर्सियां जो चुकियां ना सारे ने एकदम समान चुक के बाहर ले जान लग गए सारा। उस टाइम इंज लगे कि माहौल पता नहीं बन के यह जहा गया मतलब कि उस टाइम बिलकुल जी कथा जो चलती दे जो इस तरह खलल पवे तो बेअदबी है जी। कमेटी अपनी गल करके दीवान की समाप्ति हो लेने दो बाद कटवा दें भी ऐसा दीवान चलता पाया जी। लगता कि इदा पंजाब दा माहौल खराब होगा जे बाकी गुरुद्वारे जाके भी इदी घटना होगी। देखो असीं तां इही बेनती करांगे कि जो पिछे एक पिंड दे विच पिछे भी होया ते साडे भी होया दूजी जगह ते इत्थे आण के होया ते अगों तां इही बेनती करांगे भाई अमृतपाल सिंह जां होर भी जिहड़े सियाणे सिंह नाल हैगे ने कि उह जिहड़ा मतलब कि विच इहो जिहे बंदे विच गलत अनसर वड़ गए ने विच उहनां दे नत्थ पाई जावे उहनां दे नाल क्योंकि ठीक है ना कोई भी फैसला आना है। देखो कमेटियां गुरु घर के सेवावान कर रही संगतों के सहयोग के नाल तो असी भी जे गुरु घर के वजीर आ मतलब कि सानू भी इन्ने साल हो गए हैं 40 साल तो मैनू हो गए जी गुरु घर के सेवावान करद इतों तक करके मेरा तो जमना भी मतलब कि जरा जमया मैं गुरु घर के जमया हुआ जी ठीक है ना जी। साड़ी तो उम्र सारी गुरु घर लंघ गई है जो कुर्सियां अग लगाई गई सी खुद मैं भी आ रहा जी उन्होंने जी जो मेरा मोबाइल निकलिया रेडमी का जी मेरे को बिल भी है जी अपना 10,000 रुपया मेरे को साइड से मेरा एक मेरे छोटे भरजाई दाखिल ने श्रीमान हॉस्पिटल के उन्होंने वास्ते मैं पेमेंट इकट्ठी कर रहा डॉक्टर साहब साढ़े दिल्ली गए हुए ब्याह की उन्होंने कोई हैगा फंक्शन उत्थे इस करके मैं उन्होंने पेमेंट नहीं कर सका पेमेंट मेरी जेब दे तो वह भी राती मेरी निकली है। मैं बाद जबकि मैं बाद चेक की है मैं कंप्लेट नहीं करनी पैसे की मैं कंप्लेट नहीं करनी जी क्योंकि मुड़ के पैसे का मैं सबूत नहीं दे सकना किसी पास मतलब कि भी इस तरह को पैसे निकले में कि नहीं निकलेगे हरेक ने यही सवाल पूछना निकले कि निकले सानू की सबूत दोगे। दौरान जिहड़ियां बजुर्ग लेडीज लई सोफे या कह लो गद्दी सीटां रखियां जांदियां उन्हां नूं बाहर कढ़िया जांदा बाहर कढ़ के उन्हां नूं अग लगाई लगांदी है किस तरह वापर रहा सारा इस तरह है जी 7:55 के करीब जो दस्या भाई परमजीत सिंह इत्थे हाजर सी उन्होंने उत्थे आ के गुरद्वारा साहब के अंदर आ गए
आ के उन्होंने पहले तो जरा कथा कर रहे थे, कथा जी रुकवाई, उन्होंने 10 मिनट पहले समाप्ति करती। उस तो बाद उन्होंने माइक आप लैके तो कथा शुरू करती। तो उस उपरंत तो उन्होंने जोड़े बंदे नाल जोड़े अल्पछाते बंदे से असी तो जानते नहीं उन्होंने, तो उन्होंने बाहर कुर्सियाँ क्डनिया शुरू जे साडे बेंच पे से बाहर क्डने शुरू करते। बाहर कट के उन्होंने सामने गुरद्वारा साहब से जाके उन्होंने उत्थे अग लाती। तो बाकी संगत के सारे पैसे का चीज़ बनी है, तो संगत ही हम फैसला करेगी भी जो कोई कंप्लेंट करनी कुछ भी करना है वो संगत से असी कहते ही सारा असं काम करा। जिदा तुम्हें क्या संगत जो डिसीजन लेगी आप चलेंगे गुरुद्वारा जी प्रबंधक कमेटी है उन्हें की सोचा? प्रबंधक कमेटी संगत के नाल चलेगी, जो संगत कहेगी वो मुताबिक प्रबंधक कमेटी फैसला लेगी। परसनल राय मेरी है कि बहुत वड्डी बेइज्जती है गुरु घर इतने नहीं किसी जगह पर भी हो धार्मिक स्थान से वो बेइज्जती हैगी। लगता कि जिदा का किया जा रहा उन्ना माहौल खराब हो सकता है? माहौल तो देखो संगत डर ही गई सी एकदम इन्ने बंद देख के एट ए टाइम हम तुम ते को भी आ जाए 300-250 बंदे भी तो डर ही जाओ। इस करके कोई कहने की गल ही नहीं। बाकी ये जो घटना हुई है मंदभागी, बाकी हम संगत जो फैसला करेगी असी संगत के नाल बिल्कुल पूरा उन्होंने कहने से चलेंगे। तो संगत सहयोग ना बनया जी, लोगों ने 5-5, 10-10 रुपए दान दिते जी जिदे नाल ये चीज़ बनाई है, तो संगत पैसे ना बनीए। तो हूँ भी असी संगत सहयोग के नाल जो भी संगत सानू हुक्म लाएगी असी सारी कमेटी उत्ते बनता।